बैक टू माय चैनल, मैं मुमताज और आप देख रहे हैं लेट्स सिट एंड प्ले। गाइस आज का जो गेम है वो है द गेम ऑफ लाइफ गोल्स कार्ड गेम। द गेम ऑफ लाइफ बहुत ही क्लासिक फेमस बोर्ड गेम है जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ हाउ टू प्ले का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। गाइज ये गेम आता है हास्ब्रो गेमिंग की तरफ से, जिसमें एज रहेगी 8+ और जो प्लेयर इसमें रहेगा 2-4 प्लेयर्स ये गेम खेल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गेम को खेलना किस तरीके से, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है और इसको इसका सेटअप कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं द गेम ऑफ लाइफ गोल्स। गाइज इसमें ना आपको टोटल 88 कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें तीन अलग अलग टाइप के आपको कार्ड्स मिलेंगे। लाइफ स्टाइल कार्ड जिसका बैकग्राउंड यहाँ पे रहेगा पर्पल, 4 प्लेयर की सबसे 4 कार्ड्स रहेंगे। लाइफ गोल कार्ड रहेंगे 4 और बाकी के जो 80 कार्ड्स रहेंगे वो रहेंगे आपके चॉइस कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि गेम का सेटअप किस तरीके से होगा, इसे खेलते कैसे और शुरुआत कैसे होगी गेम की। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो लाइफ स्टाइल जो कार्ड्स है वो सभी प्लेयर को एक एक दे देना है। सभी प्लेयर क्या करेंगे, ये लाइफ स्टाइल कार्ड को यहाँ पे फेस डाउन करके रखेंगे, किसी भी प्लेयर को नहीं बताना है, ठीक है। और जो एक बचा, सपोज यहाँ पे 3 प्लेयर है तो अगर एक कार्ड बचा है तो आपको इसको डाल देना है यहाँ पे बॉक्स के बाहर, मतलब बॉक्स में, उसका भी यूज नहीं है। और बाकी के जो यहाँ पे लाइफ गोल कार्ड है उसको अच्छी तरह से शफल कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक, मतलब दोनों साइड में यहाँ पे गोल्स बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से शफल करना है, कोई भी कार्ड आप जो भी रखना चाहते हो वो 3 कार्ड आपको इस तरीके से रख देना है, ठीक है। और बाकी के जो आपके मेन चॉइस कार्ड रहेंगे उसको अच्छी तरह से शफल करेंगे। शफल करने के बाद हर एक प्लेयर को 3-3 कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी के जो डेक रहेंगे उसको यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया आपका ड्रॉ पाइल, यहाँ पे आपको डिस्कार्ड करना है। ये मेन जो यहाँ पे जो लाइफ गोल कार्ड है ये सभी के लिए कॉमन कार्ड है, आपको यहाँ पे इस तरह से सभी प्लेयर के सामने रख देना है। ये जो आपका लाइफ स्टाइल कार्ड है उसको आपको इस तरह से फेस डाउन करके रखना है। आप अपना कार्ड दे सकते हो लेकिन किसी अदर प्लेयर को नहीं बताना है। तो ये तो हो गया गेम का बेसिक सेटअप। अब देखते गाइस कि गेम स्टार्ट कैसे होगा और आपको आपके टर्न में करना क्या है। तो आपके टर्न में सबसे पहले जो यंगेस्ट प्लेयर होगा उसका होगा फर्स्ट टर्न। आपके टर्न में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको करना है। या तो आप यहाँ से चॉइस कार्ड में से एक कार्ड यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, आपका टर्न फिनिश, अभी ये प्लेयर का टर्न है। या फिर अगर आपको यहाँ से अगर आपको ड्रॉ नहीं करना है तो आपके हाथ में जो भी कार्ड होगा उसको आपको देखना है और आप उसको प्ले जोन में उतार सकते हो, आप अपने प्ले जोन में। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा कि आपको आपके टर्न में करना क्या है। या तो आपको यहाँ से कार्ड ड्रॉ करना है या फिर आपको कोई भी एक कार्ड यहाँ पे आप प्ले एरिया में आप उतार सकते हो अपने। सपोज यहाँ पे मेरे हाथ का ये कार्ड यहाँ पे है, मैंने उतार चुकी हूँ, तो अब मेरा टर्न फिनिश, अभी ये प्लेयर की बारी आएंगी, ठीक है। और याद रखिए आपके हाथ में जो कार्ड है मैक्सिमम 7 कार्ड आप रख सकते हो, उससे ज्यादा होता है कार्ड तो आपको डिस्कार्ड करना होगा। गेम एंड कैसे होगा, जैसे ही ड्रॉ पाइल का लास्ट कार्ड कोई भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता है तो उसी वक्त ये गेम फिनिश हो जाएगा और जो आपके हाथ के कार्ड है वो पूरी तरह से डिस्कार्ड हो जाएंगे, हाथ के कार्ड काउंट नहीं होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्कोर करना है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको स्कोर किस तरीके से करना है, ठीक है। गाइस पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से टाइप के आपको कार्ड मिलने वाले हैं, ताकि आपको गेम खेलने में इजी और आपको समझ में आए कि आपको कौन से वक्त कौन सा कार्ड यहाँ पे आपको खेलना होगा। तो गाइस आपको यहाँ पे इस अलग अलग टाइप के आपको कार्ड मिलेंगे, हम देखेंगे अभी कार्ड का डिटेल यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहला जो आपको यहाँ नजर आ रहा है यहाँ पे पिंक बॉर्डर में, ये होगा आपका फैमिली कार्ड होगा। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे गोल कार्ड में जो आपका लाइफ स्टाइल कार्ड है, अगर किसी को यहाँ पे फैमिली फ्रेंडली कार्ड आता है तो एक कार्ड के कलेक्ट करने पर उसको मिलता है 30 पॉइंट्स। तो जिसके पास में भी जो उसका लाइफ स्टाइल कार्ड में अगर फैमिली कार्ड आता है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा उसको पिंक कार्ड जमा करना चाहिए गेम के हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। येलो बॉर्डर में जो आपको कार्ड नजर आ रहा है ये होगा एडवेंचर कार्ड। आपको जो लाइफ स्टाइल कार्ड है उसमें अगर आपको थ्रिल सीकर आता है तो आपको, अगर वो प्लेयर ज्यादा से ज्यादा अगर येलो कार्ड यहाँ पे कलेक्ट करेगा तो उसको हर एक कार्ड का उसको 30 पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लू बॉर्डर का कार्ड, जिसे कहते हैं हम करियर कार्ड। अगर किसी प्लेयर को
लाइफ स्टाइल कार्ड में वर्कोहोलिक आता है और वो ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पे ब्लू बॉर्डर का कार्ड जो करियर कार्ड है अगर उसको कलेक्ट करता है तो उसको हर एक कार्ड के 30 पॉइंट मिलेंगे। लास्ट यहाँ पे जो ग्रीन बॉर्डर का कार्ड है वो होगा हाउस कार्ड, जिसमें अगर ये प्लेयर लवर ऑफ लग्जरी, तो यहाँ पे अगर ये प्लेयर सबसे ज्यादा अगर ग्रीन के कार्ड यहाँ पे जमा करता है ग्रीन बॉर्डर के, तो उसको मिलता है 30 पॉइंट। और यहाँ पे लास्टली जो एक कार्ड यहाँ पे रहेगा ये होगा इवेंट कार्ड। इवेंट कार्ड आपको क्या करना होता है, इमीडिएटली आपको उसको खेलना होता है और जैसे आप खेल लेते हो उसके बाद में इस कार्ड को डिस्कार्ड करना होता है। इसमें आपको अलग अलग टाइप के आपको एक्शंस मिलेंगे और कुछ यहाँ पे आपको आपको सेल्फ डिफेंस के लिए आपको ऐसे कार्ड्स होंगे जो अगर कोई आपको प्लेयर कुछ भी आपका जो कार्ड्स है वो स्टील कर रहा है या डिस्कार्ड करने लग रहा है तो आप उसके अगेंस्ट ये इंश्योरेंस कार्ड देकर आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक डिफेंस कार्ड जैसा हो गया, आप अपने पास जो भी हो रहा है उसको नो बोल सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये तो थे यहाँ पे कार्ड के, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कार्ड्स। अब देखेंगे कि गेम में स्कोरिंग कैसे होगा। गाइस ये जो लाइफ गोल कार्ड है जो यहाँ पे सभी के लिए गोल कार्ड होगा, आप ये जैसी आपके टर्न में जैसी आप गोल को अचीव कर लेते हो आप उसको क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने येलो के कार्ड से आप देख सकते हो यहाँ पे एरोप्लेन एरोप्लेन एरोप्लेन, यानी कि मैंने तीन एरोप्लेन कलेक्ट कर लियो। अब मुझे ये वाले कार्ड को कलेक्ट करने के लिए ये वाला जो लाइफ गोल है उसमें आपको 1 2 3 एरोप्लेन आपको कलेक्ट करना था। तो जैसे मेरे टर्न में ये जैसी कार्ड में नीचे उतारती हूँ तो मुझे बोलना है कि मेरा ये जो गोल है वो कम्प्लीट हो चुका, ये कार्ड मुझे मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो मेरा कार्ड है मुझे बोनस 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइफ गोल का कार्ड है इसके ज्यादा से 100 पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने पिंक में जमा नहीं कर पाई, पिंक में सिर्फ मुझे एक ही यहाँ पे पेट लवर मिला है तो वो एक ही, तो ये मैं इसको क्लेम नहीं कर सकती हूँ। और इसी तरीके से ये जो कार्ड है यहाँ पे आपको जो करियर कार्ड है उसमें आपको 3 यहाँ पे जो आपको ब्रीफ केस दिख रहा है वो आपको कलेक्ट करना था, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही कलेक्ट करी तो मैं इसको भी क्लेम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ मेरे पास में ये पूरा कम्प्लीट हो चुका है 1 2 3 येलो में, तो मैं इसको इमीडिएटली क्लेम करूंगी और आपके गेम के एंड में आपके पॉइंट्स में जो ये 80 पॉइंट्स है वो ऐड हो जाएगा। लास्ट में आपको जो आपका जो यहाँ पे लाइफ स्टाइल कार्ड है वो आपको रिवील करना है स्कोरिंग के वक्त आपको स्कोर करने के लिए। ठीक है, अभी सबसे पहला यहाँ पे जो मैंने कलेक्ट करी थी यहाँ पे ग्रीन कार्ड, लेकिन ग्रीन कार्ड के मुझे एक कार्ड के कितना पॉइंट मिलने वाले 20, तो यहाँ पे मेरे जो ग्रीन कार्ड है उसका मुझे पॉइंट्स मिलता है 40। उसके बाद मैंने ब्लू के 2 कार्ड यहाँ पे जमा करी हूँ और मुझे ब्लू के भी हर एक के कितने पॉइंट मिलेंगे 20, तो यहाँ पे मेरा ब्लू का स्कोर होता है 40। उसके बाद येलो, येलो के मेरे पास में 4 कार्ड्स मैंने कलेक्ट करी हूँ, लेकिन मुझे येलो के हर एक कार्ड के मुझे सिर्फ यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलने वाले, तो इसका स्कोर भी हो गया 40। और लास्टली जो मुझे सबसे ज्यादा फैमिली फ्रेंडली कार्ड, मेरा जो अचीवमेंट था जो मेरा गोल था उसके 30 पॉइंट थे एक कार्ड के, तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड यहाँ पे कलेक्ट करी हूँ तो इसलिए मुझे इसके पॉइंट मिलते हैं 60। और उसके बाद में जो लास्ट में मेरा पॉइंट ऐड होगा वो होगा 80 पॉइंट्स जो मेरा लाइफ गोल कार्ड है। सभी पॉइंट्स को ऐड करने के बाद जिस भी प्लेयर का सबसे ज्यादा पॉइंट होगा वो ये गेम जीत जाएगा, जिसका नाम है गेम ऑफ लाइफ गोल्स। तो गाइस आई होप आपको ना गेम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके अलावा फिर भी कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको और ये गेम कैसा लगा और आपका फेवरेट कौन सा गेम होगा, द गेम ऑफ लाइफ जो अपना क्लासिक गेम है बोर्ड गेम, या फिर द गेम ऑफ लाइफ गोल्स कार्ड गेम। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको जो गेम है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, क्वेश्चन है या क्वेरी, आप कमेंट कीजिए, आप हमें इंस्टा पे भी डायरेक्ट DM करके वहां पे भी हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं हमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कीजिए। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।